प्लास्टिक सर्जरी आज की तारीख में इतनी कॉमन हो गई है कि हर दूसरी एक्ट्रेस इसका शिकार है। इंडस्ट्री में एक दूसरे से सुंदर दिखने की दौड़ में बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस खुद को चाकू की नोक पर डाल रही हैं। कौन कौन है वो एक्ट्रेसेस और क्या उनकी सर्जरी ने उनको सुंदर बनाया है या फिर उनको खुद का चेहरा छुपाने को मजबूर कर दिया है? आज मैं आपको बॉलीवुड की उन नामी चेहरों से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। सबसे पहले आती है अनुष्का शर्मा। शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनुष्का ने हमेशा अपने चुलबुले नेचर से सबका दिल जीता, लेकिन यह भी प्लास्टिक सर्जरी की भेड़ चाल से बच नहीं पाई। उन्होंने लिप जाब करवाया और कभी भी इस बात को मीडिया में माना नहीं, पर उनके बिफोर आफ्टर की फोटोज पर इतना अंतर है कि यह बात किसी से छुपा नहीं पाई। पर उनकी सर्जरी इतनी अच्छी नहीं रही और उनका फेस अजीब सा फेस बनकर रह गया। अगली इस लिस्ट में आती है मौनी राय। टीवी जगत से बड़े पर्दे का सफर मौनी का बहुत इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन इस सफर में उनके लुक्स में इतना कुछ बदल गया कि कई बार तो उनकी पुरानी और नई फोटोज देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि दोनों एक ही इंसान हैं। मौनी ने लिप जाब से लेकर लिपोसक्शन तक करवाया। लिपोसक्शन टेक्निक से बाड़ी का एक्स्ट्रा फैट निकाल दिया जाता है। इन सब के साथ साथ मौनी ने स्किन लाइटनिंग सर्जरी भी करवाई, जो उनकी फोटोज देखकर कोई भी बता सकता है। अगली आती है वाणी कपूर। वाणी कपूर का 2013 में शुद्ध देसी रोमांस से डेब्यू हुआ तो उनके चेहरे को इंडियन लुक्स सॉफ्ट स्माइल की वजह से जाना जाता था, पर जैसे ही 2016 में बेफिक्रे का पोस्टर रिलीज हुआ तो सबकी नजरें उनके चेहरे पर आकर रुक गईं, क्योंकि उनके चेहरे की सॉफ्ट कर्व्स अब साफ हो गई थी और होंठ भी भरे भरे थे। कुल मिलाकर उनका चेहरा पहले से कड़क और भड़कीला हो गया था। इस बात पर वाणी की सफाई बड़ी फनी थी। उनका कहना था कि उनका चेहरा फ्रांस की कड़क ठंड की वजह से ऐसा हो गया है, पर उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इस लिस्ट में अगली है कैटरीना कैफ। 20 साल से बॉलीवुड मूवी से ऑडियंस का दिल जीतने वाली कैटरीना भी इस दौड़ से बच नहीं पाई और अलग अलग प्लास्टिक सर्जरी करवाने के रूमर्स में उनका नाम है। वो अलग बात है कि उन्होंने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, पर उनकी पहली और अब की फोटो देखकर कोई भी बता सकता है कि कैटरीना ने नोज जाब और चीक लिप्स फिलर करवाया है। नेक्स्ट आती है प्रियंका चोपड़ा, पूर्व मिस वर्ल्ड और मिस जोनस। प्रियंका चोपड़ा नो डाउट कि पूरी दुनिया का जाना माना नाम बन चुकी है, लेकिन उनके करियर को शुरुआत से देखें तो जब साल 2000 में उन्होंने मिस इंडिया का टाइटल जीता था, तब से अब में उनके चेहरे पर कितना चेंज आ गया है। उनके गोल नाक और भरे हुए गाल, शार्प नोज, लंबी होंठ शार्प फेस में बदल गए हैं, जिसको देखकर सबको भरोसा हो गया है कि पास्ट में प्रियंका ने अपने चेहरे पर मल्टीपल सर्जरी करवाई है। अगली इस लिस्ट में आती है राखी सावंत, आइटम क्वीन रियलिटी टीवी स्टार राखी। हमेशा गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में रहती है। उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिपोसक्शन और नो जाब टॉप में शामिल है, और इन सबसे सुंदर बनने की जगह एक प्लास्टिक की गुड़िया लगने लग गई है। पर राखी की एक बात बहुत अच्छी है कि जो उनके दिल में होता है वो खुलकर सामने बोल देती है, और वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात को कई बार पब्लिक में रख चुकी है। इस लिस्ट में है आयशा टाकिया। आयशा की स्माइल और क्यूट पर्सनैलिटी के चलते बहुत लोग इनके दीवाने हुआ करते थे। वो बात अलग है कि उन्होंने बहुत कम मूवीज में काम किया है, लेकिन जब वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने नए अवतार में आई तो उनके लुक्स ने सबको चौंका दिया। उन्होंने लिप जाब और बोटॉक्स करवाया और बहुत सारे फेशियल लिप्स भी करवाए, जिसके बाद उनकी प्यारी सी मुस्कान और भरे हुए गाल सब खत्म हो चुके थे, जिसके लिए वो पॉपुलर हुआ करती थी। उनके इतने मोटे मोटे होंठ हमारी प्यारी सी आयशा पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आलिया भट्ट, मिसेज कपूर। आलिया भट्ट आज बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है, और इन्होंने भी अपनी सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए राइनोप्लास्टी करवाई, जिससे उन्होंने अपनी नाक को गोल से शार्प नोज में बदल लिया, और नो डाउट कि वह आलिया पर बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आती है श्रुति हसन। यह नाम सुनकर तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी पुरानी और नई फोटोज को साथ में कंपेयर किया तो यकीन हो गया। कमल हासन की बेटी श्रुति से बहुत से इंटरव्यूज में उनकी नोज जॉब के लिए पूछा गया तो एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन साथ में यह भी बोला कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी रूमर्स है कि उन्होंने लिप जाब और ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाया है। इस बात पर श्रुति का कहना है कि वह उनकी बाड़ी है और वह अपनी बाड़ी के साथ जो चाहे वह करे।
इस लिस्ट में अगला नाम है जानवी कपूर। जानवी अपने चेहरे पर अलग अलग सर्जरी करवा चुकी है। उन्होंने लिप्स, नोज और जा लाइन पर मल्टीपल सर्जरी करवाई है। पहले आप देखोगे तो जानवी का नाक बहुत चौड़ा हुआ करता था और अब उनकी नाक शार्प और पतली है, और यह सब राइनोप्लास्टी का कमाल है। इसके साथ साथ लिप जान करवाने के बाद उनके होंठ भी बहुत भरे भरे हो गए हैं, और आप ध्यान से अगर देखोगे तो जानवी ने अपनी जा लाइन भी फिक्स करवाई है, जिससे उनकी जा लाइन बहुत अच्छी शेप में और शार्प हो गई है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।